दोस्तों मैं चल रहा जी 398 ट्रैक्टर 4x4 टर्बो प्लस इंटरकूलर देख सकते जी। इन पिछे जनाब बेलर मशीन है न्यू हलैंड की, न्यू हलैंड की मशीन लगी हुई है ठीक है। तो काफ़ी हैवी मशीन हैगी क्योंकि जिस टाइम मशीन चलाते ने उस टाइम एक बार ट्रैक्टर नो पता लग जाता है भी मेरे मगर कोई मशीन हैगी है। चेक कर सकते जो तुम ट्रैक्टर भी जनाब एक बार धू मारता है जनाब एक बार धुआं मारता क्योंकि बई जी पिछे इन जी मशीन हैगी काफ़ी हैवी ड्यूटी मशीन है। घट तो घट 20-25 मन जोड़ा है गठ का वजन है। 8 फुट लंबाई है इनकी गठ की। कह रहे थे भी अगर इन ज़्यादा मजीद अगर असं गठ दे होर ज़्यादा प्रेस करके बनने भी ज़्यादा मन बनने अगर 25 मन तो उपर करने फिर जोड़ा ट्रैक्टर हैगा वो इस मशीन जी अपना गठ है ना मशीन फिर चला नहीं सकेगा क्योंकि ट्रैक्टर तो बहुत ज़्यादा लोड पै जाएगा, बहुत ही ज़्यादा हैवी लोड पै जाएगा जिंदी वजह तो नुकसान हो सकता है। इस वास्ते तकरीबन 17-18 मन जोड़ा है उन्होंने इनकी गठ का वजन बनया हुआ है। 8 फुट लंबाई है तो जिंद ट्रैक्टर जोड़ा इस टाइम ईजीली आराम के खिंच रहा है। तो मैं देख सकते जो तुम बैलर तो चल रहा ये ना इस वास्ते बाहरों इंपोर्ट किया क्योंकि अपने वाले जोड़े इतों पाकिस्तान इंपोर्ट लोकल ट्रैक्टर है जिमें कि एस एम साहब दो मशहूर ट्रैक्टर है 385 4x4 या 2 व्हील वो इन्हों काम नहीं दिता क्योंकि कह रहा है भी वो इनते वो इन नहीं चला सकता। एक 4x4 ट्रैक्टर लिया सी इन्हें उन्होंने चैक करने वास्ते उन्हें जी नहीं काम दिता है। फिर आते हैं साढ़े को पहले होर भी ट्रैक्टर ने जॉन डीयर न्यू हॉलैंड के चल रहे हैं मुख्तलिफ होर बैलर से भी क्योंकि 3-4 इन्होंने मशीन ने तो ये जनाब फिर इन्हों जो ट्रैक्टर है ये बाहरों इंपोर्ट किया तो तुम खुद अंदाजा कर लो अगर पाकिस्तान एडा ही म्यार या कोई अच्छी पावरफुल कोई ट्रैक्टर होते तो जिमीदारा की जरूरत है बाहरों ट्रैक्टर इतने पाकिस्तान मंगवावन की क्योंकि साढ़े वाले इस टाइम ट्रैक्टर के पल्ले ही कुछ नहीं है बिल्कुल बेकार ने। अगर इन्नी कु पावर होना चाहती तो वह इस मशीन ही चला लेंगे तो बकायदा जी दूरों देखने से यही लगता है भी जिमें एक सादा ट्रैक्टर चल रहा है 385 जिमें हो गया पर उस तरह नहीं है ये 398 4x4 110 हॉर्स पावर का। तो यह दोस्तों तुम इनकी परफॉर्मेंस चेक कर लो देख लो कि जबरदस्त अच्छी कारकर्दगी दे रहा है ठीक है जी। नैक्सट वीडियो फिर असं मिलेंगे तो वीर भरावान तो साढ़े नाल बने रहा जी नाले साढ़े चैनल में सबसक्राइब कर लिया जी।